हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल ट्यूबर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो मैं है एमपी ऑनलाइन लिमिटेड का ओपन कर लिया हूँ पोर्टल। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं टेक्निकल पैरामेडिकल ग्रेड के रिक्वायरमेंट्स, जो एसटीएस, एसटीएलएस, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल आयु सारे के ओपन हो चुके हैं फॉर्म। तो फ्रेंड्स, इसको आप 5 अक्टूबर तक भर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सभी का पीडीएफ। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ एसटीएलएस और एसटीएस का फॉर्म ओपन कर लिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ मेडिकल बीएमएलटी डीएमएलटी है, जिसमें टोटल पोस्ट 213 एसटीएलएस का और 377 लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का है। फ्रेंड्स, इसके इंस्ट्रक्शंस भी यहां दिए हुए हैं, तो मैं इसको शॉर्ट पे आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पर अपना लिंक दे दूँगा मेरे ब्लॉग का, वहाँ से भी आप पीडीएफ सारा डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और स्टडी मटेरियल भी तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसके सिलेबस दिया हुआ है फ्रेंड्स। सिलेबस से रिलेटेड कुछ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नीचे ब्लॉग का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जा सकते हैं। देखिए, मैं इसको डेमो आपको दिखा भी देता हूं। यहां www.medicaltubers.blogspot.com आपको टाइप करना पड़ेगा, यहां मैं टाइप भी कर ले रहा हूँ, blogspot.com। इसके बाद इसको सर्च कर लेते हैं फ्रेंड्स। सर्च करूंगा तो आप देखिए मेरा यहाँ ब्लॉग ओपन हो जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ओपन होने के बाद होम में आएंगे तो यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जॉब रिजल्ट, एडमिट कार्ड सब के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ डाउनलोड के सेक्शन पे आ जाएंगे तो आप वहाँ जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एम्स का स्टाफ नर्स, रेलवे के और जो एमएससी सेमिनार है उनके पावर पॉइंट, इसके अलावा जो आप यहाँ एमपीडब्ल्यू लैब टेक्नीशियन सारे के जो लैब टेक्नीशियन है उसको क्लिक करने के बाद यहाँ लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे हिस्टोलॉजी क्लिक करेंगे तो यहाँ हिस्टोलॉजी से मेरे पूरा पीडीएफ है फ्रेंड्स। इसके बाद हीमेटोलॉजी लैब टेक्नीशियन, जैसे हम माइकोलॉजी, सीमेन, न्यूट्रिशंस, एनाटॉमी, रेलवे नर्सिंग, जैसे हमें माइकोलॉजी को ओपन करता हूँ तो यहाँ माइकोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ, जैसे मलेरिया लाइफ साइकिल का ओपन कर लेते हैं तो ये देखिए मलेरिया लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर दिए हुए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने डाउनलोड सेक्शन पे आने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें एनएमबीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक सभी के लिए इसमें मैंने पीडीएफ यहाँ करके रखा है फ्रेंड्स। और फ्यूचर में और भी इसमें स्टडी मटेरियल ऐड करते जाऊँगा तो आप हमेशा इसको ओपन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप दूसरी जॉब्स के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ अब इसको क्लिक कर लेते हैं तो इसका पीडीएफ ओपन हो जाता है। जब तक इसका पीडीएफ ओपन होता है मैं कहीं और दूसरा पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी समय बहुत लग रहे हैं। फिर से होम में जाके अब यहाँ आयुर में जो है ये देखिए दंत चिकित्सा शल्य चिकित्सक का 42 पोस्ट आया हुआ है, तो इसके बारे में भी ओपन कर लिया हूँ। ये कैटेगरीज वाइज पोस्ट है फ्रेंड्स और इसमें आपको नेगेटिव मार्क्स रहेंगे फ्रेंड्स। आप अपना जो भी क्वालिफिकेशन साथ साथ में नोटिफिकेशन उसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं 0.025 अंक की कटौती भी की जाएगी। और फ्रेंड्स बाकी सब जितने भी नियम कानून हैं सभी में है फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चंस आया था कि क्या एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि अगर एग्ज़ाम एक समय पे दिया तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि एक से अधिक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल सिर्फ एक ही जिसमें एग्ज़ाम देंगे, जिसके लिए आप उसी के लिए पात्र होंगे और उसी में आपका मेरिट सूची बनेगा फ्रेंड्स। तो अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है कि आप एक से अधिक भर सकते हैं। मेरी बात माने तो आप एक ही अप्लाई किए और आप वहां से उसमें दिया हुआ है नंबर, आप वहां से बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है महिला पोषक प्रशिक्षक, जिसमें 50 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स इसके नीचे आप देख सकते हैं इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। और फ्रेंड्स एसटीएस का सिलेबस अभी इसमें नहीं दिया हुआ है, मैंने इसको देखा है। मैं इसका सिलेबस ज़रूर आपको दिखाऊंगा और सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी अब बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एसटीएस का, तो एसटीएस में भी आप देख सकते हैं और एसटीएस का जो दायित्व है इसमें टोटल 187 पोस्ट आए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें बीएससी विज्ञान से मांगा हुआ है और बैचलर ऑफ साइंस फिजियोथेरेपी दोनों में से कोई हो, साथ में कंप्यूटर इन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसमें भी आप देख सकते हैं
और इसका जो कार्य दायित्व है वो दिया हुआ है, किंतु इसका सिलेबस नहीं दिया हुआ है। मैं इसका सिलेबस जरूर इससे रिलेटेड आपको वीडियो बताऊंगा फ्रेंड्स, आरएनटीएसीपी से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स ये डॉट्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पढ़िए। और चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अपलोड करें, फिलअप करें, तो यह सेवाएं दिया हुआ है, सेवाएं में क्लिक करेंगे आप यहाँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे जिस भी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है फ्रेंड्स, उसको अप्लाई करने के बाद सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें अप्लाई करना है। तो चलिए मैं यहाँ स्टेटस में सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना नाम पूरा डिटेल आपको फिलअप कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ इसके बाद फिलअप कर जैसे हो जाएगा, यहाँ कैप्चा में नंबर दिया हुआ उसको फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट जाना है, जहाँ आपको पर्सनल डिटेल के बाद पेमेंट्स करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और जितने सारे आपको पीडीएफ चाहिए आप मेरे यहाँ ब्लॉग पे आके डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्लस रिलेटेड जॉब्स के बारे में भी आके यहाँ से पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और किसी भी स्टडी मटेरियल्स की चाहिए तो नीचे मेरे को कमेंट्स भी कमेंट्स कर दीजिए फ्रेंड्स, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ चैनल पसंद आया है, तो चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी यह जानकारी दीजिए ताकि उनका भी भविष्य उज्ज्वल हो सके फ्रेंड्स। और मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहूँगा फ्रेंड्स, जो भी आपको हेल्प चाहिए मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर करना। और फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।